सब कुछ का, जिसको प्लांट सेल कहते हैं। ये मॉडल के माध्यम से समझेंगे कि प्लांट सेल की रचना हमारे जंतु सेल से क्या है, भिन्न है ना। उसका देख रहे हैं कैसा आकार है और इस तरह इसका कैसा आकार है। प्लांट सेल यानी पौधों की कोशिका होती है। आपको पहले भी बताया था कि कोशिका, दोनों कोशिका में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो दोनों में समान होते हैं और कुछ अंग ऐसे हैं जो असमान होते हैं। जैसे इसके बाहरी परत को हम क्या बोले थे, कोशिका झिल्ली। बाकी इसमें 8 अंग पाए जाते हैं कोशिका के, वो अंग है। पहला है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक किसमें भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। दूसरा आपको होता है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। केंद्रिका भी दोनों में पाई जाती है। तीसरा अंग है इसमें रैफिड क्रिस्टल्स। क्या पाया जाता है, क्रिस्टल्स। और चौथा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होता है जिसमें सारे अंग होते हैं। पांचवा है गॉल्जी वेसल्स या गॉल्जी बॉडी जिससे बोलते हैं। और पांचवा होता है राइबोसोम। सातवां होता है सेल मेम्ब्रेन। और आठवां होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, उसके बाहर जो परत होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस तरह से आपको सारे अंग दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बीच में केंद्रक है इसमें। इस तरह से प्लांट सेल का हम लोग अध्ययन करते हैं।